वेलकम टू स्मार्ट किड्स, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपकमिंग लेसन वीडियोस। हेलो डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू लेसन, लेसन नंबर 2.4, द फॉल ऑफ ट्रॉय इन इंग्लिश भारती टेक्स्ट बुक इन क्लास 9। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर वार्मिंग अप। अभी आज हम बच्चों हम लेसन नंबर 2.4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है द फॉल ऑफ ट्रॉय, वो भी इंग्लिश भारती टेक्स्ट बुक में क्लास 9 में। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी, जिसको सुनने में पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आएगा। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। इसका हम पहला पार्ट देखेंगे, द फॉल ऑफ ट्रॉय का। फॉल ऑफ ट्रॉय क्या है बच्चों? एक सिटी है, एक कंट्री है, जिसमें मतलब बहुत सारी स्टोरी लिखी हुई है। तो आज हम इसका पहला पार्ट देखेंगे, पार्ट वन में। एपिक्स अ लॉन्ग पोएम दैट रिलेट द डीड्स ऑफ अ ग्रेट नेशनल हीरो, अ ग्रेट नेशनल वॉर। दे ओफन टेल ऑफ नेशन अर्ली हिस्ट्री। They may be composed a song or recited of for many years before they are actually written down. अभी यहाँ पे epic क्या है? एक ऐसी poem जिसमें great national hero के बारे में बताया जाता है, जो great national war जो रहती है हमारी country से related या किसी और भी country से related, उसको हम क्या बोलते हैं? epics। जो किसके form में होती है? poem के form में, जिसमें किसी great national hero के बारे में बताया जाता है। जैसे great national hero हमारे कौन से हैं? महात्मा गांधी और ये भगत सिंह, ये सब हमारे ग्रेट नेशनल हीरो है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये महात्मा गांधी है, हमारे क्या ग्रेट नेशनल हीरो है। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, ये शिवाजी, ऐसे ये हमारे नेशनल हीरो में आते हैं। ग्रेट नेशनल वॉर, जैसे कोई वॉर हो गई है उसके बारे में डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेनेशन करना एक पोएम के फॉर्म में। दे ओफन टेल ऑफ नेशन अर्ली हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री के बारे में बताना कि उन्होंने हमारी कंट्री के लिए कितना महंगा क्या कुछ किया है, जिससे हमारी जो कंट्री है आज सेफ सेफ्टी में है। दे मे बी कंपोज ऑफ सॉन्ग रिसाइड फॉर मेनी ईयर्स बिफोर दे आर एक्चुअली रिटन डाउन। मतलब ये मतलब बहुत सालों से लिखी जा रही है, मतलब इसमें सॉन्ग भी बनाया जा रहा है, पोएम भी बनाया जा रहा है। जैसे हमारा जो नेशनल एंथम होता है जन गण मन, उसको किसने लिखा है? हमारे ग्रेट हीरो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, वो भी हमारे इंडिया के लीडर्स में हैं, लीडर्स में आते हैं। अभी यहाँ पे हम देखेंगे आगे इस लेसन में क्या है। द टू फेमस संस्कृत एपिक आर द रामायण एंड द महाभारत। अब यहाँ पे जो एपिक्स क्या है, जो पोएम के फॉर्म में, कोई स्टोरी के फॉर्म में होगी। तो आपने बचपन में ऐसा कौन सा संस्कृत का ड्रामा नहीं देखा होगा हमारे इंडियन टेलीविज़न में? रामायण, जिसमें किसमें बताया है? राम है, इसमें कैरेक्टर कौन है? लक्ष्मण है, सीता है, रावण दून, राम और रावण के बीच में वॉर होती है। फिर रावण क्या करता है? सीता को उठा के लेके चले जाता है, जिसमें एक वॉर खड़ी हो जाती है। मतलब इसमें भी एक फीमेल आती है, एक औरत, जो औरत के ऊपर एक मतलब एक टॉपिक किया है उस पर, मतलब एक वॉर खड़ी हो जाती है। महाभारत में जैसे हमने देखा होगा बहुत सारे कैरेक्टर है, दुर्योधन है, भीम है, द्रौपदी है, और ये जो पांच पांडव है उसमें एक, इसमें भी एक फीमेल को लेके मतलब वो हुआ है। लॉर्ड कृष्णा है, उसको लेके मतलब एक जंग खड़ी हो जाती थी, जिसमें जो टॉपिक्स है दोनों से आपने बहुत वाकिफ़ होंगे। आपने ये ड्रामा टेलीविज़न पे ज़रूर देखा होगा, रामायण और महाभारत भी देखा, और जो दोनों स्टोरी है बहुत ही पॉपुलर है। द टू ग्रेट एपिक्स ऑफ यूरोपियन लिटरेचर रिटन इन एशियन ग्रीक। अभी यहाँ पर ऐसी एपिक्स यूरोपियन लिटरेचर ने लिखी है, वो भी एशियन ग्रीक में। आर द आइलियड एंड द ओडेसी। मतलब यहाँ पे जो ग्रीक एशियन में जो लिटरेचर ने लिखी है यूरोपियन में, कौन सी लिखी है? इलियड और ओडेसी ने, उन्होंने मतलब ऐसी स्टोरी लिखी है। जस्ट एज अ इंडियन लिटरेचर वी यू गो बैक टू स्टोर्स फ्रॉम द रामायण एंड द महाभारत। महाभारत सो इन द लिटरेचर ऑफ वेस्टर्न कंट्री। अभी जैसे हमारे जो इंडियन है राइटर्स रहते हैं संस्कृत में, उन्होंने क्या लिखा स्टोरी? रामायण महाभारत लिखा है। तो ऐसे यहाँ पे यूरोपियन लिटरेचर ने क्या लिखा है ग्रीक में? इलियड और ओडिसी ने क्या लिखा है? मतलब ऐसी लिखा है एक स्टोरी फॉर्म में, जिसमें एक राजा रानी की कहानी है। दो गो बैक टू द इलियड एंड द ओडिसी जस्ट एज द चिल्ड्रन ऑल ओवर इंडिया यू नो द नेम्स ऑफ स्टोरी ऑफ राम एंड सीता। जैसे इंडिया का ऐसा कौन सा नागरिक बच्चा नहीं होगा जो राम सीता के बारे में नहीं जानता होगा, कि क्यों राम सीता यहाँ पे जो आए थे, लक्ष्मण आए थे, सीता को कौन लेके उठा के लेके गया था, रावण लेके गया था। युधिष्ठिरा एंड अर्जुना एंड द्रौपदी, मतलब युधिष्ठिरा और अर्जुना द्रौपदी के बारे में किसको नहीं पता होगा, कि मतलब द्रौपदी को लेके और पांच पांडव को लेके बीच में जो झगड़े होते हैं, मतलब इसमें एक औरत को लेके मतलब एक वॉर खड़ी हो जाती है। सो द चिल्ड्रन वेस्टर्न कंट्री नो द नेम्स ऑफ हेक्टर एंड ओडियस एचिलिस एंड द हेलेन ऑफ ट्रॉय। जैसे यहाँ पे हमारे इंडियन नागरिक राम और सीता की स्टोरी से बहुत वाकिफ़ फैमिलियर है, अर्जुन द्रौपदी युधिष्ठिरा के बारे में जानते हैं। वैसे ही यहाँ पे वेस्टर्न कंट्री में जो है किसकी स्टोरी फेमस है? हेक्टर ओडियस और
एचिलिस एंड हेलेन ऑफ ट्रॉय की स्टोरी बहुत फेमस है और ये वाकई ट्रू स्टोरी है। द मोस्ट ब्यूटिफुल वोमेन इन द वर्ल्ड, अब ये जो औरत है हेलेन वो बहुत ही दुनिया की खूबसूरत औरत है। बिकॉज ऑफ होम होम द ग्रीक एंड ट्रोजन्स फाउट हर 10 longest, मतलब ये इसमें यहाँ पे हेलेन को लेके क्या हो गई, फाइट क्रिय हो गई, वो भी किसके बीच में, ग्रीक और ट्रोजन के दोनों कंट्री के बीच में फाइट होने लगी। नोबडी नोज फॉर द सर्टेन हु द ऑथर ऑफ दिस अर्ली एपिक्स, इट इज थॉट दैट दे अरोज एंड डेवलप इन विद द नेशन इटसेल्फ वर हैंडेड डाउन फ्रॉम सिंगर टू सिंगर टिल परहैप्स वन ग्रेट पोएट गेव देम देयर फाइनल फॉर्म। मतलब यहाँ पे जो पता है कोई नहीं जानता है कि मतलब यहाँ पे ये जो स्टोरी है वाकई ट्रू है, जिसमें हेलेन को लेके वाकई ग्रीक और ट्रोजन में क्या हो गई, फाइट होने लगी, एक बैटल खड़ी हो गई, एक जंग खड़ी हो गई। इट इज़ बिलीव दैट द इलियड एंड द ओडिसी वर द कंपोज रिसाइड बाय द ब्लाइंड पोएट नेम होमर हु लिव अबाउट 900 बिफोर जीजस क्राइस्ट बॉर्न। अभी यहाँ पे जो मतलब ये स्टोरी, ये जो इंसिडेंट कब हुआ था, 900 साल पहले, जब मतलब जीजस क्राइस्ट यहाँ पे बॉर्न भी नहीं हुए थे। हु वंडर फ्रॉम वन ग्रीक सिटी और विलेज टू अनदर सिंगिंग हिज पोएम टू हु ऑल वुड हैव रिसीव हिम इन देयर होम्स एंड गिव हिम हॉस्पिटलिटी। जैसे हमने देखा होगा ये जो रामायण के इंसिडेंट कब हुए होंगे, महाभारत के टाइम पे हम बॉर्न हुए थे, ये तो बहुत पुरानी कहानी है जिससे हम देखते आ रहे हैं, टेलीविज़न पे देखते आ रहे हैं, लेकिन वो ट्रू स्टोरी है। ऐसी यहाँ पे जो इलियड ओडिसी की जो स्टोरी है वो कब से कब, ये इंसिडेंट हुआ था 900 साल पहले, जब जीसस क्राइस्ट बॉर्न भी नहीं हुए थे। दिस वंडरिंग सिंगर हैज़ बीन ऑनर थ्रू द एजेस नॉट ओनली इन ग्रीस बट इन ऑल द यूरोप, द फादर ऑफ यूरोपियन पोएट्री। मतलब ये जो स्टोरी इतनी फेमस है कि जो ग्रीस के कंट्री में, सिर्फ ग्रीस ही में नहीं, यूरोप में, मतलब इसे फादर ऑफ यूरोपियन पोएट्री कहा जाता है, कि इसकी स्टोरी बहुत फेमस है। जैसे हमारे इंडिया में महाभारत और रामायण कैसी फेमस स्टोरी है, जैसे वहाँ पे ग्रीक में ये स्टोरी बहुत फेमस है। द इलियड इन द स्टोरी इज द स्टोरी ऑफ इलियम और ट्रॉय और रिच और ट्रेंडिंग सिटी इन एशिया माइनर नियर द नैरो सी दैट लीड फ्रॉम द एजियन टू द ब्लैक सी। इट वॉज वेल सिचुएटेड बोथ फ्रॉम द कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर। इन फ्रंट ऑफ द सिटी वॉज द सी ओवर विच सेल द शिप ऑफ द ट्रॉय कैरिंग गुड्स एंड ग्रेन। अभी यहाँ पे जो स्टोरी हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इलियम और ट्रॉय की स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, जो कैसी सिटी है, बहुत ही अमीर सिटी, रिच सिटी, वो भी एशिया माइनर में, जिसके उस सिटी के पास क्या एक बड़ा सा समंदर, एक नदी है, एक बड़ी सी नदी है, वो भी जिसको हम ब्लैक सी बोलते हैं, ब्लैक सी के नाम से जानी जाती है। और वहाँ पे मतलब इतनी अच्छी जगह पे वो है, सिटी है, जहाँ पे जो एग्रीकल्चर का जो काम है, जो बिज़नेस है बहुत अच्छी तरह से होता है वहाँ पे। मतलब सिटी के आगे क्या है, एक शिप है, एक मतलब जहाँ पे शिप चलती है, एक नदी है, एक समंदर है जहाँ पे शिप चला चढ़ती है। और वहाँ पे जो गुड्स और ट्रेन को, मतलब जो गुड्स हैं, मतलब जो और ग्रेन्स हैं, वो अच्छी तरह से ग्रो होती है। जैसे हमें कंट्री टू कंट्री, सिटी टू सिटी की हमें गुड्स और ग्रेन्स को हमें सप्लाई करना होता है, मतलब वो बिज़नेस और एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट का बिज़नेस अच्छी तरह से होता है। एट द बैक रोज द हाई पीक ऑफ माउंट ईडा फ्रॉम विच फ्लो मैनी रिवर्स एंड स्ट्रीम। मतलब उसी सिटी के पीछे क्या है, एक माउंट ईडा है, एक पहाड़ है, जो कहाँ पे उसके पीछे क्या है, बड़ी बड़ी सी नदी और रिवर्स और स्ट्रीम है। The valley among the hills were the well water fertile with growing and fertile and filled cattle feeding on the rich grass of the meadow while sheep fed on the slope of the hill। मतलब उस वेल, मतलब उस सिटी के पास क्या है, एक अच्छी खासी मतलब रिवर है, स्ट्रीम है, माउंट ईडा है, सिटी ट्रॉय के पीछे क्या है, एक बड़ी सी वैली, एक बड़ी सी घाट है, जहाँ पे मतलब जो खेती है बहुत अच्छी तरह से होती है, वहाँ पे जो क्रॉप्स है अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। Round the city, the Trojan hand built a strong wall so that no enemy should attack them from the sea. मतलब वहाँ पे जो ट्रॉय सिटी है वहाँ पे उन्होंने कितनी एक बड़ी बड़ी सी वॉल उन्होंने खड़ी करके रखी है, जहाँ पे मतलब जो दुश्मन है अगर उस सिटी पे अगर अटैक करना चाहे तो बिल्कुल अटैक नहीं कर सकते। मतलब वो नदी के पीछे इतनी स्ट्रांग वॉल है, मतलब उस सिटी के पास गहरी हुई है, सब तो ये ट्रॉय सिटी है, मतलब सिटी के पास क्या एक स्ट्रांग वॉल है, स्ट्रॉन्ग वॉल होती है ना, कि वहाँ पे अगर कोई दुश्मन भी यहाँ पे सिटी में अट्रैक करना चाहे तो वो नहीं कर पाएगा। द वॉल्स वॉज सो ब्रॉड दैट पीपल कुड स्टैंड एंड सिट एंड वॉक इन। मतलब वॉल इतनी चौड़ी है, इतनी कि लोग वहाँ पे मतलब चल भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, मतलब अगर उन्हें समंदर देखना हो, झील देखना हो, तो वो उस मतलब वो मतलब वहाँ पे अच्छी तरह से वॉक कर सकते हैं। द ग्रेट गेट्स स्टूड ओपन, द पीपल कुड गो टू द सी शोर आउटसाइड एंड कम इन एज दे प्लेड।
मतलब अगर अगर लोगों को अगर वहाँ पे समंदर देखना हो, सी शोर देखना है, तो वो जा सकते हैं और शाम को रिटर्न भी आ सकते हैं। बट इन द टाइम ऑफ द वॉर द गेट वुड बी क्लोज, मतलब जब जंग वहाँ पे होने लगी ट्रॉय सिटी में, तो गेट को क्या कर दिया जाता था, वहाँ के गेट को बंद कर दिया जाता था। देन द सिटी वॉज लाइक अ स्ट्रॉन्ग फोर्टेस, क्वाइट सेफ फ्रॉम ऑल अटैक, प्रोटेक्टेड बाय द वॉल सराउंडिंग इट एज वेल एज बाय द हिल्स बैंड। मतलब वहाँ पे जो भी जैसे जब यहाँ पे जब जंग शुरू होने लगी, तो उस गेट को मतलब उस सिटी के गेट को बंद कर दिया जाता था, क्योंकि वहाँ पे कोई हमें हमारी हमारी कंट्री मतलब हमारी सिटी ट्रॉय पे कोई वहाँ पे कोई अटैक ना कर सके, हमला ना कर सके, इसलिए वहाँ पे की जो वॉल्स है बड़ी बड़ी है। दस द ट्रॉय वॉज स्ट्रॉन्ग सिटी, स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड बाई इट्स वॉल, स्ट्रांगली डिफेंडेड बाई इट्स ब्रेव सोल्जर। मतलब जो ट्रॉय सिटी थी बहुत ही स्ट्रांग थी, मतलब वहाँ पे उसके आसपास बड़ी बड़ी दीवारें, लंबी चौड़ी दीवारें, कि वहाँ पे कोई जो एनिमी है अटैक नहीं कर पाएगा, वहाँ पे अगर कोई सोल्जर भी आए तो मतलब उसका दुश्मनों का मुकाबला अच्छी तरह से कर पाएंगे। ऑल द किंग एंड हीरोज ऑफ ग्रीस हैड डिक्लेयर वॉज अगेंस्ट द टॉर्जन, बिकॉज पेरिस एंड प्रिंस ऑफ ट्रॉय हैज प्रिजर्वड हेलेन वाइफ ऑफ ग्रीक किंग मेनस टू इलॉप विथ हिम। अभी यहाँ पे जो दो थे, जो राजा थे वहाँ पे वो ज़माने के, जो ट्रॉय के जो राजा थे और हीरोज ऑफ ग्रीस थे, उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया कि हम फाइट करेंगे ट्रोजन, बिकॉज हमें जो प्रिंस ऑफ ट्रॉय है वहाँ के शहजाने थे, ऐलान कर दिया कि हम झगड़ा करेंगे, क्योंकि हम वॉर करेंगे, क्योंकि हमें हेलन को लेना है, हमें हेलन को अपनी वाइफ बनाना है, जो वाइफ ऑफ ग्रीक किंग की थी, उसे मतलब उसे हासिल करना है। जैसे आपने राम सीता में देखा होगा, कैसा जो रावण था सीता से शादी करना चाहता था, उसे पकड़ के लेकर आया था, लेकिन यहाँ पे जो हेलेन है वो किसकी वाइफ है, वाइफ ऑफ किंग के ग्रेट किंग मेलिनस की वाइफ है। अब वो जो यहाँ पे जो है वो कौन, पेरिस का जो किंग प्रिंस है वो किससे शादी करना चाहता है, हेलेन किसकी वाइफ है, ग्रेट ग्रीक किंग मेलिनस की वाइफ है, वो उससे शादी करना चाहता है। ही हैड ब्रॉट हर टू द ट्रॉय, द ग्रीक वॉन्टेड टू टेक रिवेंज ऑन ट्रॉय फॉर द रॉन्ग डॉन टू मेलिनियस। अभी यहाँ पे जब वो उससे शादी करना चाहता था, तो यहाँ पे जो ग्रीक है उससे बदला लेने चाहती कि क्यों तुम मेरी बीवी को परेशान कर रहे हो, क्यों मेरी बीवी के पीछे पड़े हो। दे सेल टू ट्रॉय एंड लेट सीज टू द सिटी द ट्रोजन टू फाइट, हाउ द सीज कंटिन्यू फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स। कि दोनों के बीच में क्या झगड़ा होने लगी, ग्रीक और ट्रोजन के बीच में क्या होने लगी, ग्रीस के बीच में एक जंग शुरू हो गई, बैटल शुरू हो गई। द फाइटिंग वेंट ऑन डेली बट द सीज डिड नॉट एंड, मतलब जो झगड़ा था उनका डेली का हो गया, लेकिन फिर भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था ये झगड़ा। ऑन द वन हैंड द ग्रीक कुड नॉट टेक द सिटी, ऑन द अदर हैंड द ट्रोजन कुड नॉट फोर्स देम टू सेल अवे। मतलब यहाँ पे जो था ग्रीक था, जो ट्रोजन के ऊपर हमला कर रहा था, उस पर कब्जा करना चाहता था कि हमें तुम्हारी जो रूल्स है, हमारी जो शर्तें हैं उसे मंजूर कर लो। एवरी डे द ट्रोजन केम आउट ऑफ द डेड आउट ऑफ द गेट, द ग्रीक केम आउट ऑफ द टेंट्स एंड शिप एंड द फाइटिंग वेंट ऑन। मतलब एवरी डे जो ट्रोजन थे वो अपने गेट से आया करते थे, और जो ग्रीक थे उन्होंने क्या बनाया था, एक टेंट बनाया था, शिप बनाया था, मतलब वहाँ पे उन्होंने जंग शुरू कर दी थी, झगड़ा शुरू कर दिया था। सम टाइम देयर वर ग्रेट बैटल्स बिटवीन द टू आर्मी, मतलब दोनों के बीच में एक जंग शुरू हो गई थी। यहाँ पे जो ट्रोजन के लोग थे उन्होंने भी अपने सोल्जर्स को बुलाया था, ग्रीक के लोग उन्होंने भी अपने सोल्जर्स को बुलाया, दोनों के बीच में एक बैटल शुरू हो गई। Sometime there was single fight between two great heroes, sometime the Trojan had the better of it, sometime the Greek, but still the fighting went on. मतलब दोनों के बीच में ट्रोजन और ग्रीक के बीच में दोनों के बीच में एक बैटल शुरू हो गई, एक जंग शुरू हो गई। ग्रेट हीरोज ऑन बोथ साइड वॉज किल्ड इन द कोर्स ऑफ द वॉर, मतलब जो ग्रेट हीरोज दौरान वो बैटल के दौरान जंग में मारे गए। आफ्टर लीडिंग द डिफेंस ऑफ द सिटी फॉर 9 years, द ब्रेव हेक्टर वॉज एट लास्ट किल्ड बाय एचिलीस। अभी यहाँ पे जब बैटल हुई, जब जंग शुरू हो गई ये ट्रोजन और ग्रीक के बीच में, दोनों कंट्री की सिटी के बीच में, तो यहाँ पे जो ग्रेट अच्छे अच्छे हीरोज थे वो भी, उनकी भी जाने गई। और यहाँ पे जो 9 years के बीच में जो उन लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा था, जो हेक्टर था वो कैसे किससे मारा गया, एचिलीस के हाथ से मारा गया, हुम नन कुड नॉट रिसिस्ट, बट एचिलीस हिमसेल्फ वॉज किल्ड लेटर ऑन बाय पॉइजन एरो डेट एंटर इस हिल। मतलब वो किससे मारा गया, जैसे अगर कंट्री सिटी के बीच में जो जंग शुरू हो जाती, तो उस मतलब जो उसने तीरबाजी की, तो उसमें तीर में क्या था, एक जहर था जो उसके हिल पे पड़ गया, उसके पाँव पे पड़ गया। द ओनली पार्ट ऑफ हिज बॉडी वेर ही कुड बी वॉन्डेड स्टील लेटर, इसकी जब उसे जख्म लग गया तो उसके बॉडी पार्ट पे क्या गया, जख्म लगाया गया, मतलब पट्टी वगैरह, मलहम पट्टी लगाई गई।
पेरिस हिमसेल्फ वॉज किल्ड ऑल्सो बाय द पॉइजन एरो। जो पेरिस था वो भी, जो किंग था वो किससे मारा गया, पॉइजन एरो से, मतलब जो जिस एरो में क्या था, जहर था। द ट्रोजन वॉज टायर्ड ऑफ बींग शट अप इन दर सिटी। फिर ट्रोजन ने मतलब ये ऐलान कर दिया कि अभी वो इस जंग को क्या करना चाहते हैं, बंद करना चाहते, स्टॉप करना चाहते। द ग्रीक वॉर लॉन्गिंग टू सी देयर होम अगेन बट स्टिल द फाइटिंग वेंट ऑन। अभी जो ग्रीक थे वो भी अपने घर में वापस जाना थे, वो चाहते थे ये झगड़ा, ये जो फाइट है, बैटल है, वो स्टॉप हो जाए, लेकिन फिर भी ये जो जंग थी कंटिन्यूसली हो रही थी। आप यहाँ पे पिक्चर्स देख सकते हो, ये जो प्रिंस की पिक्चर से जो ग्रीक और ट्रोजन के बीच में एक जंग शुरू हो गई थी। अभी इसका हम सेकेंड पार्ट देखेंगे, सेकेंड पार्ट में क्या होगा। At last Troy was taken not by the force but by a trick. It was the cunning Odysseus who thought a plan to obtain the victory. अभी at last यहाँ पे Troy था, उसने भी क्या बोला, Troy जो सिटी थी ग्रीक दोनों के बीच में क्या आ गई, अभी हमें ये वॉर को स्टॉप कर देना चाहिए। लेकिन ये आइडिया किसका था, जो चालाक जो Odysseus था, जो इसमें जो प्रिंस था, उसका आइडिया था कि अभी हमें इस बैटल जंग को स्टॉप कर देना चाहिए। लेट अस बिल्ड अ ग्रेट वुडन हॉर्स, चलो हमें एक बड़ा सा एक ग्रेट वुडन हॉर्स घोड़ा बनाना चाहिए। ही सेड बिग इनफ टू बी होल्ड मैन इनसाइड, मतलब अगर हम बड़ा सा हॉर्स बनाएंगे जिसमें हम अपने कंपेनियन साथी को रख लेंगे। लेट सम ऑफ आवर बेस्ट फाइटर हाइड इन द हॉर्स, मतलब जितने भी हमारे जो फाइटर्स रहेंगे उसे हम उस घोड़े में छुपा लेंगे। देन लेट अस बर्न आवर टेंट एंड प्रिटेंड टू सेल अवे इन आवर शिप, मतलब हम अपने सारे जो यहाँ पे जो टेंट्स हैं उन पर आग लगा देंगे और हम इस शेप पे बैठ के हम अपने आप को बचा लेंगे। बट इंस्टेड ऑफ सेलिंग अवे विल रिटर्न इन द नाइट व्हेन द ट्रोजन आर स्लीप विल अटैक द सिटी एंड बर्न एंड किल। उन्होंने क्या, ये यहाँ पे ओडियस ने क्या प्लानिंग किया कि हमें एक वुडन हॉर्स खड़ा प्रिपेयर करना चाहिए जहाँ पे हम अपने कंपेनियन और अपनी जो वेपन्स है वगैरह वो हम अपने वुडन हॉर्स में जमा कर लेंगे। और जब ये अपना ये जंग हम कब शुरू करेंगे, जब नाइट में जो ट्रोजन्स है जब वो सो जाएंगे तब हम क्या करेंगे, नाइट में अटैक करेंगे और वहाँ पे जो टेंट्स हैं, वहाँ पे जो खेमे बने उस पे हम क्या करेंगे, आग लगा देंगे। द ग्रीक लीडर डिसाइडेड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ द वाइस ओडिसेस, अभी जो ग्रीक का लीडर है वो ओडिसेस की बात मानने को तैयार हो गया, ठीक है हम ऐसे ही करेंगे। सो अ ग्रेट हॉर्स ऑफ वुड वॉज मेड बाय स्किलफुल इंजीनियर द ग्रेट हीरोज एंड द मेनेलियस ओडिसेस हिमसेल्फ आदर इंटर इट। फिर यहाँ पे जो इसकी ग्रेट लीडर्स ने किसकी, ग्रेट ग्रीक के लीडर ने किसकी एडवाइस को मान्य किया, किसकी एडवाइस को फॉलो किया, वाइस ओडिसेस की। उन्होंने क्या बोला, ठीक है हमें ऐसे ही प्लान पे काम करना होगा, हमें एक बड़ा सा वुड हॉर्स बनाना होगा, वो भी इसकी फिर इंजीनियर ने बनाया जिसमें हमारे जो मेनिलियस थे, मेनिलियस ओडिसेस थे, सब इंटर हो गए। द लास्ट मैन गो टू बींग द आर्किटेक्ट हिमसेल्फ हु न्यू द सीक्रेट ऑफ ओपनिंग एंड शटिंग द एंट्रेंस, मतलब उन्होंने जब ग्रेट वुड हॉर्स को प्रिपेयर कर लिया तो उसका गेट भी बना लिया कि ये गेट कैसे खुलता है, बंद होता है। दैट इवनिंग द ग्रीक बर्न द टेंट एंड सेल अवे इन द शिप, तो उस दिन उन्होंने क्या किया, सारे टेंट पे क्या कर दिया, आग लगा दी और वहाँ पे शिप से क्या हो गए, रवाना हो गए। बट इट नॉट गो वेरी फार, लेकिन वो ज़्यादा दूर तक नहीं पहुँचे थे। ओनली वन द मैन वॉज लेफ्ट बिहाइंड टू प्रिसॉर्ट द ट्रोजन ऑफ टू ड्रैग द हॉर्स इन टू द सिटी, मतलब वो उस हॉर्स को जो उन्होंने प्रिपेयर किया था, मतलब वो ट्रोजन के अंदर वो एंट्री करना चाहते थे, पहुँचना चाहते थे। नेक्स्ट डे द ट्रोजन वॉक अप, नेक्स्ट डे जब ट्रोजन उठते हैं, द एक्सपेक्टिंग टू गो आउट एंड फाइट एज दे हैड डन फॉर द पास्ट 10 ईयर्स, कि वो चाहते हैं कि अभी यहाँ पे सब तो हो गया, अभी अपनी ये जो फाइट है वापस से कंटिन्यू करेंगे जो वो 10 साल से लड़ रहे हैं। वॉट आर डिलाइट सरप्राइज दे फेल्ट एज दर साइड दे सो ऑन द सी शोर आउटसाइड द वॉल इज सीन डेट द लॉन्ग सीज वॉज लास्ट ओवर द टेंट हैड बी डन द शोर वॉज डेजर्ट द ग्रीक शिप ऑल हैड गॉन, कि उन्होंने देखा कि ये क्या हो गया, यहाँ पे तो जो टेंट है वो पूरे जल गए हैं, जो शोर है पूरा डेजर्ट एक रेगिस्तान बन गया है और जो यहाँ पे जो शिप्स है वो सारी चली गई है। इट इज़ अ पीस एट लास्ट दे क्राई ओपन वाइड दे गेट एंड केम आउट इन द लार्ज नंबर ऑन देयर प्लेन ग्लेड टू बी फ्री अगेन टू गो वेयर दे प्लीट। फिर उन्होंने बोला कि ये क्या हो रहा है, सब रो रहे हैं, ये जो गेट तो हमारा बिल्कुल खुल गया है, कि अब तुम क्या चाहते हो, किसको बोल रहे हैं, ग्रीक को बोल रहे हैं ट्रोजन वाले। दे से ऑन द सैंड द ह्यूज वुडन हॉर्स दे गैदर राउंड इट एस्टोनिशमेंट फॉर इट वॉज इन डेट वंडरफुल पीस ऑफ वर्क। उन्होंने क्या देखा, एक बड़ा सा गेट है जहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या आ रहा है, एक वुडन हॉर्स आ रहा है। एज दे वर वंडरिंग हाउ द हॉर्स हैड बीन बिल्ड इट हैड बीन लेफ्ट बिहाइंड, कि वो सोच रहे थे कि इन्होंने कैसे इस हॉर्स को तैयार किया है। दे फाउंड अ ग्रीक विथ हैंड टाइड टूगेदर लाइंग अंडर इट, कि यहाँ पे जो हॉर्स में उसके सारे कंपेनियंस बैठे हुए हैं। When a Trojan drag him in out, the man pretend to be very frightened to them,
when he was commanded to tell them why the Greek had gone, why they had left their horse behind. यहाँ पे ट्रोजन वाले क्या बोल रहे हैं कि ग्रीक वाले हाँ ये हमारी जो वॉर को छोड़ के क्यों चले गए और उन्होंने ये वुडन हॉर्स को क्यों पीछे छोड़ दिया. ही प्रिटेंड टू ट्रेम्बल एवरी मच रिफ्यूज टू स्पीक व्हेन आई लास्ट दे प्रिटेंड टू किल हिम ही स्पोक एंड टोल्ड देम हिज फॉल्स टेल कि उन्होंने सोचा कि ये ग्रीक वाले सडनली ये वॉर को क्यों स्टॉप कर दिए और क्यों यहाँ रवाना हो गए. The Greek are tired of long war, have sailed away there in the ship. अभी जो ग्रीक जो सिटी थी वो झगड़ा करके क्या मतलब इस जंग से क्या हो गई थी, थक गई थी, मतलब वो छुटकारा पाना चाहती थी इसलिए वो अपने सिटी वापस चले गए. He said, but they are afraid of the long voyage home too. So they have made this horse and left in the offering to the god of the sea. कि उन्होंने क्या सोचा कि अभी हम अपनी हार मानने को तैयार है इसीलिए अभी हम किसको ऑफर कर रहे हैं, हम अपनी सिटी वापस जाना चाहते हैं, अभी ये जो हमारी जो सी है उसको हम ऑफर कर रहे हैं. दे ऑल्सो वॉन्टेड टू किल मी, ऑफर मी सक्रीफाइस टू द सी गॉड, बट आई स्केप एंड हिट फ्रॉम देम. अभी यहाँ पे जो ग्रीक किसको बोल रहे हैं कि अभी हम अपनी सिटी वापस जाना चाहते हैं, हम मार मान रहे हैं लेकिन हम इस जंग के बदले हम ये जो हमारी जो गॉड सी है उसको हम सेक्रीफाइस करना चाहते हैं कि तुम ये सी तुम ले लो. बट वाई डिड द ग्रीक मेक अ सच ह्यूज हॉर्स. सम ऑफ द ट्रोजन आर, अभी जो ट्रोजन वाले लोग उन्हें पूछने लगे कि ये जो ग्रीक वाले ने इतना बड़ा घोड़ा क्यों बनाया. द कनिंग ग्रीक मेड इज रिप्लाई, इफ दे हैड मेड अ स्मॉलर ऑफरिंग यू माइट हैव बी टेकन इनटू टू सिटी. मतलब वो अभी यहाँ पे जो ग्रीक सिटी उन्होंने क्या जवाब दिया, अगर हम छोटा घोसा बनाते तो हम अगर ये छोटा बनाते तो ये सिटी में इंटर नहीं हो पाता. देन द लक वुड हैव गॉन टू द ट्रोजन एंड नॉट टू द ग्रीक, उनकी किस्मत थी कि जो ट्रोजन के साथ चली गई. दैट इज वाई दे मेड इट अ बिग दे मेड इट टू बिग टू गो इनसाइड योर गेट, इसलिए उन्होंने बड़ा बनाया ताकि ये गेट में ये जो वुडन हॉर्स है वो गेट में बराबर से एंट्री हो इंटर हो जाए. द ट्रोजन वॉज डिलाइट टू हियर दिस, द ग्रीक हैव गॉन, दे सेड द वॉल्स आर नो लॉन्ग नेसेसरी, लेट अस मेक अ होल इन द वॉल एंड ड्रैग द हॉर्स इन. कि उन्होंने क्या बोला, ट्रोजन वाले खुश हो गए कि चलो अभी वाकई ग्रीक जो सिटी है वाकई वो वॉर से तंग आ गए, ये थक गए इसलिए वो अपनी सिटी वापस चले गए, इसलिए उन्होंने इस हॉर्स को बनाया कि ताकि हमारी गेट में ट्रोजन सिटी में एंट्री मार सके. देयर वाइज पीस वॉर्न देम नॉट टू डू इट, मे बी ट्रिक देम दैट विल रूइन अस, ही सेड वी विल ब्रिंग डिजास्टर ऑन द सिटी, विल ब्रेक डाउन द वॉल्स. कि मतलब अगर ये हॉर्स को हम एंटर करेंगे तो हमारी जो वॉल्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी. बट दे वर सो एक्साइटेड दे पेड नो अटेंशन टू हिज वर्ड, दे ब्रोक डाउन द पार्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग वॉल टू ऑर्डर टू ब्रेक द हॉर्स इन इट. उन्होंने अपनी वॉल को क्या कर दिया, तोड़ दिया ताकि ये जो वुडन हॉर्स है वो एंट्री कर सके. ऑल डेट डे द ट्रोजन फिस्टेड एंड ड्रैंक एंड सेलिब्रेटेड. उस दिन क्या किया, ट्रोजन वाले खुश हो गए कि हम तो ये जंग को जीत लिए क्योंकि यहाँ पे जो ग्रीक जो सिटी थी उन्होंने हार मान ली, उन्होंने अपनी मतलब क्या ये जो सी गॉड को क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, जो सी गॉड सी थी वो उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया, वो अपनी सिटी में वापस चले गए, उसके बदले उन्होंने वुडन हॉर्स को भेजा है. आफ्टर ऑल द सेलिब्रेशन दे वॉन्ट टू स्लीप एंड स्लीप स्लेप साउंडली, बट द डे ऑफ रिजॉइसिंग वॉज सून फॉलोड बाय द नाइट ऑफ टेरर एंड डेथ. कि उन्होंने जश्न मनाया कि वाकई ग्रीक जो सिटी है उन्होंने हार मान लिया है, तो वो जश्न मनाते मनाते वो गहरी नींद सो गए. लेकिन जब वो नाइट में जब सो रहे थे तो उन्होंने कुछ दिखाई दिया. द ग्रीक शिप हैड नॉट सेल फार एज सून एज दे वर हिडन बाय एन आइसलैंड. की मतलब वो ज़्यादा दूर तक नहीं गए थे, वो कहाँ पे छुपे थे, आइसलैंड एक जजीरे में छुपे थे जो ग्रीक सिटी थी. दे हैड लवर देयर सेल एंड ड्रॉप एंकर एंड वेटेड फॉर द नाइट. मतलब वो उन्होंने एक प्लानिंग की थी कि हम ऐसा बोल के हम छुप जाएंगे, लेकिन वो छुप गए नहीं थे, वो आइसलैंड के पास छुपे थे. और जब वो आधी रात हो गई तो इन द डार्कनेस ऑफ द फ्लीट सेल बैक द लीडिंग शिप विच वॉज एगेमेमन्स बोर रेड लाइट हाइट ऑन इट्स मार्ट. द ग्रीक वॉज वॉचिंग द फॉर द रिटर्न ऑफ द फ्लीट स्क्रैप टू द वुडन हॉर्स एंड गिव द सिंगल स्लाइड ऑफ द हॉर्स ओपन. द ग्रीक क्लाइंब आउट एंड ओपन द गेट. मतलब वो जो ग्रीक वाले थे वो किसके एक घोड़े के बहाने इस गेट में ट्रोजन सिटी में घुसना चाहते थे. द होल ग्रीक आर्मी इंटर द स्लीपिंग सिटी. मतलब उन्होंने लगा कि चलो ट्रोजन वाले को क्या लग रहा था, लगता ग्रीक वाले अपनी सिटी वापस चले गए, उन्होंने हार मान ली, लेकिन वो हार नहीं माने थे, वो आइसलैंड के पीछे छुपे थे, वो रात होने का इंतजार कर रहे थे, जैसे रात होगी हम अपनी आर्मी सेना को लेकर इस गेट में एंट्री मारेंगे. इमीडिएटली द ग्रीक सेट फायर टू हाउस
हाउसेज एंड टावर्स एंड प्लेनेस एंड बिगेन टू बर्न एंड किल। इमिडिएटली जब वो नाइट में एंट्री मारते हैं टॉर्जन सिटी में, तो वो वहाँ पे आग लगाना शुरू कर देते, घरों में, टावरों में, पैलेसेस में, हर जगह वो हमला शुरू कर देते हैं। ट्रॉय वॉज फील्ड विद द साइट ऑफ लिपिंग फ्लेम्स एंड द साउंड ऑफ शॉटिंग नॉइज नॉइज ऑफ वेपन्स एंड द क्राइज ऑफ वेपिंग वुमेन वीपिंग वुमेन। जैसे जैसे यहाँ पे जब हमला शुरू होता है, मतलब उनकी जो नींद रहती हराम हो जाती है, मतलब घर जलने लगते हैं, आसपास रोने की हमलों की आवाज़ आती है, औरतें रोने लगती है। द स्लीपिंग टॉर्जन स्प्रैंग आउट ऑफ देयर बेड्स बट दे वर टेकन बाय द सरप्राइज देयर एनिमीज वर राइट इन साइड देयर वॉल्स। मैनी ऑफ द टर्जन वर किल बिफोर दे कुड पुट ऑन देयर आर्मर एंड साइज द एमन्स। मतलब ये उन्होंने कैसा धोखे से एंट्री मारी, धोखे ट्रोजन वाले को धोखा दिया। जो ग्रीक सिटी वाले थे, किसको धोखा दिया? ट्रोजन को धोखा, क्योंकि ये लोग तो सो गए, लेकिन सडनली ऐसा झगड़ा करना, ऐसे वॉर करना, वो मतलब डर गए कि अभी दुश्मन ने हमारे पर अटैक कर दिया। फिर औरतें रोने लगी, मतलब वो सब परेशान हो गए, हमारे घर जलने लगे, हमारी जो वॉल से टूट रही है, एक वॉल शुरू हो गई कि हाँ आसपास क्या हो गया, एक तहस मच गया। एट ब्राइट ब्राइट लाइट ऑफ द नाइट स्काई एज द पैलेसेस हाउसेस टेम्पल्स एंड टावर वेंट अप इन द फ्लेम्स। मतलब वहाँ पे आग लगा दिए महलों में, घरों में, मंदिरों में, टावरों पे, मतलब वहाँ पे उन्होंने अपना, ग्रीक वालों ने अपना हमला शुरू कर दिया। द टॉर्जन फाउट एज वेल एज दे कुड, मतलब टॉर्जन वाले थे जितना फाइट करना चाहते थे फाइट किया, बट इट वॉज ऑल इन वेन। बट ओल्ड किंग प्रियम वॉज किल विथ ऑल हिज ब्रेव सन्स। मतलब जो ओल्ड किंग प्रियम था वो किससे मारा गया? अपने ब्रेव सन किससे आगे हटे मारा गया। हेक्टर्स वाइफ एंड हिज ओल्ड मदर सिस्टर वॉर कैरीज हॉप स्लेज बाय द कॉन्केव। मतलब जो हेक्टर्स की वाइफ थी और उसकी जो बूढ़ी माँ थी, उसकी जो बहनें थी, वो मतलब वो गुलाम बन गई थी, मतलब उन्होंने उसको गुलाम बना दिया था जो ग्रीक वाले थे। देयर फेट वॉज इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ हेलेंस व्हेन किंग मेलिनस रश थ्रू द सिटी। मतलब जो मतलब उन्होंने हेलेंस को कब्जा कर लिया कि वो उसको लेना चाहते थे ना, उस पर एक अटैक करना चाहते थे। लुकिंग फॉर हर फाउंड हर इन हर प्लेसेस, मतलब उन्हें पता चल गया हेलेन मिल गई, तो उसको पकड़ के अपने महल में ले लिए। शी हंग हर हेड इन द शेम एंड सॉरो एज फेस फॉर फॉर्मर हस्बैंड। मतलब वो इतनी शर्म से वो बेचारी वो सर झुका दी थी कि मैं किसके हाथों में जा रही हूँ, मुझे कौन उठा के लेके जा रहा है, मैं एक गुलाम बन गई हूँ। हर वॉइस वॉज चॉक विद द इमोशन शी कुड नॉट स्पीक। मतलब यहाँ पे जो थे हेलेंस थे, मतलब उनको क्या बना दिया था, यहाँ पे जो प्रिंस ओल्ड किंग प्रियम किससे मारा गया था, मतलब अपने बेटे के साथ ही मारा गया। जो हेक्टर वाइफ थी, हेक्टर्स की वाइफ थी, और उसकी जो बूढ़ी माँ थी, उसकी बहनें, सब क्या बन गए थे? गुलाम बन गए थे। शी हंगर हैड इन द शेम एंड सॉरो शी फेस हर फॉर्मर हस्बैंड। मतलब इतनी शर्म से हो गई थी कि अपने हस्बैंड से वो सर आँखें नहीं मिला पा रही थी। हर वॉइस वॉज चॉक विद द इमोशन शी कुड नॉट स्पीक। इतनी आवाज़ इतनी डर गई थी कि वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। बट मेनेलस फॉरगॉट हर एंड शी वेंट बैक विथ हिम। मतलब मेनेलस ने उसे माफ़ कर दिया और वो उसके पास वापस चली गई। फॉर इट वॉज ओनली एफ्रोडाइट हु हैड टर्न हर हार्ट अवे फ्रॉम हर होम एंड हर हस्बैंड एंड अ चाइल्ड। मतलब ये कौन था? एफ्रोडाइट ही था जो, मतलब वो उसने अपना दिल को इतना मजबूत कर दिया था, जिसने अपने हस्बैंड और अपने बच्चों को छोड़कर आ गया था। When morning came, nothing was left of the proud Greek city that had resisted attack for 10 years. जैसे जैसे सुबह होती है, जो ट्रोजन सिटी रहती है वो पूरी तरह से बर्बाद, डिस्ट्रॉय हो जाती है, वहाँ पे कुछ नहीं बचता है। मतलब जो 10 साल से उनके पीछे एक जंग हो रही थी, कि देखा इस लेसन में कैसे जो ग्रीक थे, कैसे उन्होंने ट्रोजन सिटी पे क्या किया, हमला किया, कैसे उन्होंने उनको एक बेवकूफ बनाया और उनके ऊपर कितनी बुरी तरह हमला किया। तो बच्चों, अगर आपने देखा कि कैसी जो थी फॉल ऑफ ट्रॉय, कैसी स्टोरी थी, बहुत ही अच्छी स्टोरी थी।